वराड प्रांत सदा से सोने की कराड़ कहलाया है। सफेद सोने की इस धरती ने गरीबी, वैभव, लूटमार सभी कुछ देखा है। भले ही रेलम छेल न हो रूपों की, लेकिन सदा सर्वदा उद्योग प्रेरक रहा है। अमरावती नगरी में दिनांक 10 नवंबर को फूड टेक्नोलॉजी पर आधुनिक तौर तरीके से उसके होने वाली प्रगति की जानकारी देने सुप्रसिद्ध उद्योजकों का आयोजन हुआ तथा उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। प्रस्तुत है दृश्यांकन, समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। नमस्कार, मैं विनोद कलंत्री, अध्यक्ष अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1989 से चैम्बर की स्थापना हुई, तब से चैम्बर की परंपरा रही है कि यहाँ के नव उद्योजकों को और प्रस्तापित उद्योजकों को कुछ न कुछ नई चीज़ें देखने मिले, सुनने मिले, समझने मिले, जो कि यहाँ के वातावरण को, यहाँ की कृषि उपज को पोषक रहे। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच श्री दिनेश जी गर्ग, जो कि दिल्ली से है, वो यहाँ पधारे हुए हैं। दिनेश जी गर्ग एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिनको महारत हासिल है फूड टेक्नोलॉजी में, और कई चीज़ों के जनक है, कई पेटेंट उनके नाम पे हैं। और अमरावती वासियों का सौभाग्य है कि आज ऐसी महान हस्ती हमारे बीच उपस्थित है, जिनका लाभ हमारे यहाँ के नव उद्योजक और प्रस्तापित उद्योजकों को उनका उद्योग विकसित करने अवश्य होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एसोसिएट है और नागपुर से हमारे लिए खास मेहमान को लेके आए। से होस्ट कर रहे थे, उसमें भारत को डिनर देना था और कुछ ऐसा कार्यक्रम करना था। उस वक्त भारतीय लोगों ने फिर से बोला कि नहीं, हम तो दीप प्रज्वलन करेंगे। तो बोला क्या जरूरत है दीप प्रज्वलन, आजकल ट्यूबलाइट आ गए, डे एंड नाइट मैच आ गई, तो ये इंडियन लोग बोले फालतू में अपना टाइमिंग खराब कर। ऐसे उन अमेरिकन लोगों ने इंडियन आदमी को बोल दिया। तो उस इंडियन आदमी ने उसके जब भाषण दिया, तब उसमें आंसर दिया कि हम ट्यूब ये क्यों लगाते हैं। धन्यवाद सन्माननीय मंच, आदरणीय अतिथिगण और डायनामिक पार्टिसिपेंट्स। हम जब यहाँ दीप प्रज्वलन कर रहे थे, उसमें से याद है, मैंने भाषा में कोई लिखा नहीं है, ऐसी याद आई चीज बता रहा हूँ। आज से जब 20-25 साल पहले डे एंड नाइट क्रिकेट मैच जी देवधर है, ते सुद्धा एमएसएमई चे अध्यक्ष आहेत, VIA चे, तर ते त्यांची जवळ पुष्कळ अफाट ज्ञान आहे, तर आपण ते आज गॅदर करायचा प्रयत्न करू। एवढं बोलून मी हा कार्यक्रम सुरू झाला असं डिक्लेअर करतो आणि गर्जींना विनंती करतो किंवा आयोजकांना विनंती करतो। विदर्भ इंडस्ट्रियल असोसिएशन के संचालक गिरीश जी देवधर सर को सबसे पहले मैं निमंत्रित करती हूँ कि हमारे राजेश जी मित्तल, अतुल जी महाशब्दे, इनका स्मृति चिन्ह देके गौरव करें। गिरीश जी देवधर सर, आपको ये कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा भी देनी है और हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से स्मृति चिन्ह जो आपके लिए खास बनाया है, कृपया। देवधर जी, आज की सत्कार मूर्ति श्री उदय जी साहब एवं मेरे स्नेही सुरेश सिंह जी ठाकुर, दिलीप भाई पोपट, ओम भाई खेमचंदानी तथा उपस्थित जी हुआ सभी मान्यवर, होटल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी यहाँ हैं, बिट्टू भाई और पिता है ये हमारे गिरीश जी देवधर। हे झालंच पाहिजे, हे व्हायलाच पाहिजे, लेकिन एक बात मानूंगा उनकी, उनमें जो पेशेंस है, क्या कहता है, हमारी संस्कृति संस्कार कुछ ऐसे है कि कुछ जो औपचारिकता होती है उसे पूरा कर नहीं लगता है। आज हमारी महिला एक बहने भी यहाँ उपस्थित है, जिसमें मैं विशेष नाम उल्लेख करना चाहूंगा, जो अमरावती की शहर है, मास्टर शेफ के नाम से जाने जाती नेहा भाभी राजा, सभी से विनती करूंगा उनके लिए एक बार तालियां बजाएं।
आपका जो कार्य है वो अतुलनीय है। उन्होंने इतनी महिलाओं को आर्ट कला से अवगत कराया और ये उनकी हॉबी है और वो निरंतर इसको करते जा रही है। आज फिल्म एंटरप्रेन्योर आज अपन इतने श्रीमान गर्ग साहबांचं सगळं ज्ञान आपण घ्यायला बसलेलो तर आज आपण पुष्कळशा गोष्टी बाजूला सारून आपण त्यांना विनंती करू की बा धन्यवाद सर। इसके बाद मैं निमंत्रित करती हूँ हमारे जो प्रेरणा स्थान है आज के कार्यक्रम के उद्घाटन अरुण जी वरणगांवकर सर को कि कृपया ये औपचारिक उद्घाटन के लिए दो शब्द कहें। अरुण जी वरणगांवकर कंपनीज है, इतने बड़े बड़े नाम हैं और उनके ज्ञान के भंडार का हम सबको प्रसाद मिले इस भावना के साथ ही सर आज हम आपको आमंत्रित करने में हमें बहुत खुशी होती है। हम कंटिन्यू देते आ रहे हैं तो सबसे पहले तो इस कोऑपरेशन के लिए प्रतिदिन का भी बहुत बहुत आभार। आज जिनको पूरी टेक्नोलॉजी में मानता है ऐसे हमारे गर्ग साहब दिनेश गर्ग, हमारा शहर अमरावती, हम भी विदर्भ के एक रहवासी है और कई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ के विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मार्गदर्शन में उनके अनुरोध पे हम दिल्ली से यहाँ आए हैं। हमारा करीब 47-48 वर्षों का अनुभव है। शुरुआत से हम लोग छोटी कंपनी से हम लोग ने अपना चालू किया था कारोबार अलग अलग इंडस्ट्री में और पूरा अलग अलग इंडस्ट्री में हमने काम किया है। नोगा से हमने अपना व्यवसाय शुरू किया था एज ए ट्रेनी करके कुछ सालों में उसको प्रगति करके बहुत आगे बढ़ाया हमने और इसके बाद में हम प्राइवेट इंडस्ट्री में गए। प्राइवेट इंडस्ट्री में हमने नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट डोसा किंग के नाम से हमने वहाँ काम किया और वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट का आविष्कार किया। आपको विदर्भ के लिए एक गर्व की बात है कि जो प्रोडक्ट हमने वहाँ आविष्कार किया वो करीब 10,000 करोड़ का प्रोडक्ट का मार्केट साइज़ बन गया और नमकीन इंडस्ट्री में बहुत काम आने वाला प्रोडक्ट है जिसे पोटैटो फ्लेक्स कहा जाता है। और हम उसके बाद में कई इंडस्ट्री में हमने काम किया। हमने पूना में मदर्स रेसिपी में काम किया, वहाँ नए नए प्रोडक्ट्स आविष्कार करना, बनाना, एक्सपोर्ट करना, मसाले, पिकल, पापड़, अल्फांसो पल्प, इस तरह की अनेक प्रोडक्ट बनाने का हमें मौका मिला। मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला, फैक्ट्री शुरू करने का मौका मिला, ब्रांड खरीदा गया और वो आज की तारीख में 500 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है उस कंपनी का। इसके बाद में हमें यूपी के एरिया में हमें जाने का मतलब मौका मिला और वहाँ पे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो पूरा आलू का इलाका है वहाँ हमने एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट डाला है जिसमें कि 130 टन यानी 130,000 किलो आलू रोज प्रोसेस होता है। वो प्रोडक्ट तो हमने स्टैंडर्डाइज़ किया प्रोसेस, उसके लिए मार्केट ढूंढा, बड़े बड़े नमकीन के जो मैन्युफैक्चरर है छोटे बड़े और हल्दीराम सरीके उन लोगों को प्रोडक्ट सिखाया है कि भाई इस आइटम से कैसे बनाया जाता है। उनको इतना फ़ायदा हुआ कि वो एक महीने में 4,000 किलो खरीदते थे, आज वो 5,00,000 किलो खरीद रहे हैं। इस तरह का ये हुआ और ऐसे 400 कंपनी में हम घूम घूम के बनारस, गोरखपुर, बरेली, एर्नाकुलम, बेंगलोर, हैदराबाद, इधर आज इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है इसकी और ये फैक्ट्रियां 100% 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री है जहाँ पर आलू होता है या आलू खरीद के पहुँच सकता है। ये पूरा 100% आज जितने भी 4-5 फैक्ट्री इंडिया में डली है दे आर मिंटिंग मनी, दे आर सप्लाइंग। जो नमकीन इंडस्ट्री है जो एक 10,000 करोड़ का धंधा था अभी 1,50,000 करोड़ का धंधा हो गया और ये इस वजह से हुआ कि नए नए इनपुट उनको मिले हैं इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए।
पूरा ऑटोमेशन है, मैकेनाइजेशन है, क्वालिटी है, पूरा साल भर में एक सरी का प्रोडक्ट की क्वालिटी। वो गर्ग साहब, विदर्भ में आप कुछ करना चाहेंगे? विदर्भ में अमरावती में बहुत लोगों को दिलचस्पी है कि हम नए नए प्रकार के इंडस्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश करें, तो बेकरी के इसमें, फल सब्जियों के इसमें, सीताफल में, संतरे में, फिर इसमें नमकीन उद्योगों में, कई लोगों को मार्केटिंग में, कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में, कई लोगों की इच्छाएं होती है, तो हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें। हम शेयर करने से उनको पता चलेगा कि भाई, और फिर हम पूरा इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन देंगे, 30-25 इंडस्ट्रीज़ का हम प्रेजेंटेशन देंगे। 2 घंटे का कार्यक्रम है, कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, फिर जो जो इच्छुक है वो हम उनको रजिस्टर करेंगे, फिर उनसे हमारा वार्तालाप और बाकी इंडस्ट्री की कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसको यहाँ इंडस्ट्री डालना है। हम भी चाहेंगे यहाँ फूड पार्क वगैरह बने, फूड एस्टेट बने, ताकि गवर्नमेंट का यहाँ बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है उसमें।